देखिए मैडम, मेरी बात सुनिए. देखिए मैं बोल, मार क्यों रही है जबकि मैं आपको देखने के लिए कह रहा हूँ. मैडम मैं जिंदा हूँ, देखिए. ए, ए, एक मिनट यार, क्या चाहते हो तुम? मैडम क्या देखे? वो जो आलिंगन टॉकीज में फिल्म लगी है सैया धोखेबाज इन दुबई, वो देखे? अरे तुम, अरे वो नहीं, अरे ये अखबार देखिए. अरे फिर से है ना मेरी श्रद्धांजलि की खबर छपी इसके अंदर, मैं जिंदा हूँ. अबे देखा है मैंने आज का अखबार, बिट्टी मॉर्निंग बेटी. तो फिर मैडम सिर्फ देख क्यों रही है, कुछ कर क्यों नहीं रही है? मैं जिंदा हूँ. अबे थारे केस पे ही काम चल रहा है, कोई मामूली केस ना है. चोरी हो गई, भजिया वाले को पीट दिया, जो जाके हम जो है सुलटा ले. ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा केस चल रहा है बिल्कुल ही. पौने पांच बज गए क्या? चलिए दवा खाइए. वेल कर रहे हैं हम कार्रवाई इज़दा, मैं हूँ बड़ा हाई फाई इज़दा. क्यों नहीं? अरे मैडम लेकिन मेरी कंपनी की बात लग गई उसका क्या? मेरे कंपनी के शेयर के भाव गिर गए उसका क्या? अरे मार्केट में कोई मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहा है उसका क्या? मैं जिंदा हूँ. हेलो लप्पी. हेलो मैं हेलो. अरे फोन उठाओ. अबे थारा बज रहा है, जिसका बज रहा है वो बिल्कुल ब्लैंक है, पूरी चौकी के उठ गए फोन. सॉरी सॉरी सॉरी. हेलो. मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो. लेकिन तुम कौन बोल रहे हो? मैं जिंदा हूँ. तुम जिंदा हो और जिंदा ही रहो, इसलिए मैंने फोन किया है. मुझे अपना शुभ चिंतक समझो और गौर से सुनो. तुम अगर चाहते हो कि रोज रोज तुम्हारी श्रद्धांजलि छपनी बंद हो जाए और अगर तुम इस मुसीबत से छुटकारा चाहते हो तो मुझे आज रात ठाकुरगंज चौराहे दाहिनी तरफ वाली सुनसान सड़क पर आकर मिलो. हेलो हेलो हेलो. Well, किसका था फोन इज़दा? जिसको सुन के हो गए तुम मौन इज़दा? पता नहीं किसी का फोन था, अपने आपको मेरा शुभ चिंतक बता रहा था. कह रहा था कि ये डेली अखबार में जो आपकी ये श्रद्धांजलि की खबर छप रही है उससे छुटकारा पाना हो तो ठाकुरगंज चौराहे के पास जो दाईं तरफ सुनसान सड़क है वहां पे आकर मुझे मिलो जबकि मैं जिंदा हूँ. कॉल तो किसी अननोन नंबर से आया है. तो मैडम व्हाट यू सजेस्ट, कैन आई गो देयर? हाँ तेने वहां जाना चाहिए और थारे साथ जाएंगे गोपी सर. बस मम्मी जी बस, डोंट गिव मी इतनी रिस्पेक्ट इज द, मेरी बीवी मुझ पे करती है सस्पेक्ट इज द. मैंने कब दी रिस्पेक्ट? वेल अभी अभी आपने कहा ना जाएंगे गोपी सर इज द, जिसको सुन के हो गया हूँ मैं तर इज द. अबे मैंने कही है कि जाएंगे गोपी कोमा ये पापा सर ब्रैकेट बजरंग पांडे कोमा गुलगुले फुल स्टॉप. चल हट. क्लियर? वेल मॉम वही मैं सोच रहा था, आप क्यों दे रही हैं मुझे सम्मान इज्दा? मैं हूँ चौकी का सलमान खान इज्दा. अरे दादाजी आप चुप रही है, तू भी चुप रहे यार प्लीज. मैडम आप क्या कह रही है कि फाइनली मैं वहां जाऊं? बोला ना अभी जाएगा तू और यो लोग थारे साथ जाएंगे पुलिस वाले, पता तो लगे कौन हो रहा है यो हेल्पफुल. कब से यहाँ पे वेट कर रहे हैं सर हम लोग, वो अब तक आया क्यों नहीं सर? अबे हमें क्या पता बे? हैं? तुम तो ऐसी बात करो, हमारे पास वो आदमी का फोन नंबर है और हम उसे फोन करेंगे, पूछेंगे भैया आ क्यों नहीं रहे हो, हमें राह देख रहे हैं, हमें नींद आ रही है, जल्दी आ जाओ ना. हैं? डोंट शाउट इज द, नहीं तो हो जाएगा उसको डाउट इज द. सर वो देखिए कोई आ रहा है. वही 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 वही
हेलो झिंगुर, तुम चले तो आदमी मिल गया सर। आदमी मिल गया मिस चौटाला, और अगर आप उसे देखेगी ना कि ये है तो एकदम शॉक हो जाएगी। आई शॉक सर। के सस्पेंस सस्पेंस खेल रहे हैं, जरा मिलवाइए उस महानुभाव से, हम भी तो दर्शन करें। मिलवाए एकदम सर। अंदर बंद है। गोपी गुलगुले गेट हर। अरे बस करो अभी, कितना जान ले लोगे, कितना मारते। तू? मैं हूँ पारस फ्रॉम बनारस, मैं एक अखबार चलाता हूँ। अच्छा, यो सारा कर्मकांड थारा करा धारा है। न्यूज पेपर इब थारी छपाई मैं करती हूँ। अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए मैं पारस फ्रॉम बनारस को आप गलत समझ रही है मैडम। हेडलाइन हंगामा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हंगामा जरूर होगा। हंगामा न्यूज पेपर में हंगामा होगा, हेडलाइन में जब थारी फोटो छपेगी हैं, और उसमें लिखा होगा कि तू वो था जो एक जिंदा आदमी की ओर बीच हुई थी, यानी कि श्रद्धांजलि रोज छाप रहा है, और नीचे लिखा होगा डिटेल में कि क्यों कर रहा है ऐसा। ए नहीं मैडम, मैंने आपसे कहा ना कि आप लोगों को गलत फहमी हो रही है, मेरा इस स्केच से कुछ लेना देना नहीं है मैडम। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये कौन करा रहा है और क्यों करा रहा है, हेडलाइन हंगामा है। अच्छा, तुमने इसे फोन करके ये नहीं कहा कि वो ठाकुरगंज की पास वाली सुनसान सड़क पे मिलना? Yes! अगर श्रद्धांजलि के इस चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हो तो कहा कि नहीं झिंगुर? हाँ हाँ, ऐसे ही कहा था, जबकि मैं जिंदा हूँ। अबे पारस फ्रॉम बनारस बोल दे, मुंह खोल जल्दी चल। हाँ नहीं बोलेगा मैं चौटाला, हमें 5 मिनट दीजिए, हम इसे अंदर लेके जाके इतनी सुताई करेंगे ना, ऐसी रट्टू तोते की तरह बोलेगा। चल अंदर। नहीं, ऐसे ही रट्टू तोते की तरह बोलता हूँ सर, मत पिटाई कीजिए। मैं जी हाँ हाँ मैडम, मैंने ये सब कुछ पैसे के लिए किया था, हेडलाइन हंगामा है। ये 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 वेल, पैसों के लिए की इसने भूल इसदा, गुनाह कर लिया इसने कबूल इसदा। चलो भाई। अरे ददू, कौन सा गुनाह कौन सा कबूल? नहीं नहीं, देखिए मैंने कोई गुनाह कबूल नहीं किया है, मैंने तो इनको वहाँ इसलिए बुलाया था कि मैं इनके साथ डील करना चाहता था कि अगर हर महीने ये मुझे 2 लाख रुपए देते हैं तो मैं इनकी श्रद्धांजलि वाली खबर छापना छोड़ दूंगा। वो जो पैकेट आता है और पैसे आते हैं उसको मैं खोल के भी नहीं देखूंगा, हेडलाइन हंगामा है, इसलिए मैंने इनको बुलाया था। हाँ And you want us to believe that? मैडम believe please, मान लीजिए ना मैडम, वरना मैंने आपसे कहा ना कि मेरा इस केस से कोई लेने देना नहीं है। मैडम देखिए, जितना मुझे पता था वो मैं आप लोगों से बोल चुका हूँ कि ये एक औरत आई थी बुरखे में, काले रंग के बुरखे में, और उसने मुझे ये पैकेट और पैसे दिए थे, और मैडम उस औरत के बाएं हाथ के एक उंगली में एक अंगूठी थी जिसमें लाल रंग का पत्थर था, हेडलाइन हंगामा है। लाल रंग की अंगूठी बाएं हाथ में, मैडम ऐसी अंगूठी तो मेरी बीवी के हाथ में भी है, मैं जिंदा हूँ। नहीं नहीं, लेकिन थारी बीवी का काम ना आई, हमने उसको भोलू करवाया था, उसका पीछा करवाया था, वो यार किसी स्टॉक ब्रोकर से मिल ली है यार। यार तुम अपनी बीवी को यार पॉकेट मनी दिया करो, वरना वो करती क्या है कि तुम्हारी श्रद्धांजलि जब पेपर में छपती है, तुम्हारे स्टॉक यानी तुम्हारे शेयर के प्राइस नीचे चले जाते हैं, तब वो शेयर खरीद लेती है, और उसके बाद जब वो ऊपर जाते हैं, जब तुम लोगों को बताते हो कि तुम जिंदा हो, तब जब तुम्हारे शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं तब उन्हें बेच देती है, इस तरह अपना खर्चा निकाल रही है वो। मतलब कि वो गाला खा रही है, मैं जिंदा हूँ। करेक्ट, गाला। मैं छोड़ाला, हो ना हो इस केस का कनेक्शन ना इनके वो स्टॉक से। हाँ सर, कोई तो है जो इसके स्टॉक्स गिरने से घना खुश हो रहा है, जरा पता लगाओ कौन खरीद रहा है इसके स्टॉक सबसे ज्यादा। तो ठीक है, मैं छोड़ाला पता लगाते हैं। गुलगुले काम करो, वो ब्रोकर को बुलाओ और उसे पता लगाओ कि इनके कंपनी के स्टॉक्स सबसे ज्यादा कौन खरीदता है। राइट सर। आइए आइए। सुनिए, पता नहीं यार। अरे आप लोगों ने मुझे बुलाया, मूंगफली कच्ची है। आओ, वही तो यार, मूंगफली कच्ची है, और कच्ची मूंगफली का तो कोई फायदा है नहीं ना यार, मूंगफली को पकाना पड़ता है।
तो आप लोगों ने मुझे मूंगफली पकाने के लिए यहाँ बुलाया है? मूंगफली कच्ची है। Well, हमें तुमसे कुछ इन्फेक्शन चाहिए। इन्फॉर्मेशन। दिस वन। अबे ये तो तुम्हें पता है ना कि झिंगूर की श्रद्धांजलि की खबर रोज अखबार में छपती है और उसके वजह से उसके शेयर्स नीचे गिरते हैं। क्या फेंक क्या रहे हो बे? वो वैसे फेंकते नहीं वो सब फालतू की चीज। कोई बात नहीं, खा जाते। और ऐसे कई लोग होंगे इंक्लूडिंग हिज वाइफ रेखा, जिसे हमने तुम्हारे साथ देखा, जो गिरे हुए रेट्स पर झिंगूर की कंपनी के शेयर्स खरीदते होंगे। बिल्कुल खरीद रहे हैं, बल्कि कूद कूद के खरीद रहे हैं, क्योंकि मूंगफली कच्ची है। Well, अब तुम बदलो गेयर इज द टेल मी कौन खरीदता है सबसे ज्यादा शेयर इज द। बताता हूँ दादाजी, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए क्या होता क्या है कि जो मिसेज झिंगूर है ना, उनकी कंपनी के जब से शेयर गिरे हैं तब से एक ही आदमी है। एक ही आदमी है जो उनके शेयर खरीद रहा है और उसका नाम है। अबे नाम बता बे। बताओ ना यार नाम। सेठ घनश्याम दास। मूंगफली कच्ची है। सेठ घनश्याम दास, उसका अता पता मिलेगा कहीं? मैं दे दूंगा, मैं सब कुछ आपको सब दे दूंगा, उनके डीमैट अकाउंट से निकाल के दे दूंगा और बाद में एसएमएस कर दूंगा। मूंगफली कच्ची है। तो ठीक है फिर, तुम पता भेजो और हम जाएंगे सेठ घनश्याम दास के पास। साफ हो गया ना। थैंक यू। हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे सामने पान खोल बंद। अपने लिए लाया था वो। तुम कच्ची मूंगफलियां खाओ यार। हेलो हेलो। हाँ भैया, जरा ऑर्डर लिखो। हाँ हाँ लिखो। 2 दाल मखनी, हाँ 10 बटर रोटी, 5 तंदूरी चिकन और 6 जो है मसाला चिकन, हाँ और 10 रसगुल्ला और 10 अंडे की भुर्जी और 3 कटोरी जो है खीर और 5 किलो बिरयानी। हाँ तो भैया फेर दो फटाफट। क्या कहा? किसके नाम पे भेज दूँ? अरे भैया, अरे अल्लाह के नाम पे भेज दो, भगवान के नाम पे भेज दो भैया, जल्दी भेज दो यार। हेलो हेलो हेलो। कमाल है यार, फोने काट दिया उसने। नेटवर्क टनाटन ने। अबे देखिए ये लीजिए, पहले तो ये लीजिए। देखिए सेठ घनश्याम दास का बोर्ड यहाँ लगाया, बता सकते हो मिलेगा काम को? अरे कमाल करते हैं भाई साहब। अरे सेठ घनश्याम दास तो मैं ही हूँ, नेटवर्क टनाटन है। देखिए भाई साहब, हमें आप नहीं, हमें सेठ घनश्याम दास से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? अरे भाई साहब, मैं ही हूँ सेठ घनश्याम दास। बोलिए क्या काम है? अरे अरे हम वो सेठ घनश्याम दास के बारे में पूछ रहे हैं जो झिंगूर एंड झिंगूर कंपनी के शेयर्स रोज खरीदते हैं, वो वाले सेठ घनश्याम दास। अरे वो सेठ घनश्याम दास मैं ही हूँ जो शेयर खरीद रहा है। अरे भैया शेयर खरीदना क्या कोई गुनाह है क्या? नेटवर्क टनाटन है। अरे नहीं, मतलब गुनाह तो नहीं है, लेकिन तुम तो भिखारी हो यार। अबे तुम भिखारी हो, तुम भिखारी हो के शेयर्स कहाँ से खरीद सकते हो बे? अरे मैं देखने में भिखारी हूँ, लेकिन मैं बहुत रुपए कमाता हूँ और जितना कमाता हूँ ना वो सब शेयर में लगाता हूँ। और तुम दोनों जैसे जो है ना हमारे यहाँ नौकर हैं। दादाजी अच्छा तुम बताओ, अरे महीने में तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, कितना पाते हो पैसा? Well, 12,000 इज द, लेकिन तुमको इससे क्या है सरोकार इज द? सुनो, तुम तो महीने में 12,000 कमाते हो और हम तो एक दिन में 12,000 कमा लेते हैं। हाँ नेटवर्क टनाटन। अरे अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, इस भिखारी को भीख दे दो ना, मुझे बिरयानी खानी है, 500 रुपए दे दो ना। अरे पागल हो गया, 500 रुपए की बिरयानी खाएगा? अरे
क्या? अच्छा ठीक है भैया, एक काम करो, तुम 250 रुपए दे दो, नेटवर्क टनाटन ना है। 500 से सीधा 250 रुपए? अरे हटो, अरे अरे अरे, वो क्या है ना कि 500 रुपए हम इसलिए मांग रहे थे कि मुझसे बिरयानी मंगाते ना तो दोनों लोग खाते। अब घूरो नहीं, 50 रुपए दे दो ना यार। क्या अजीब तरह के भिखारी हो, ये लो 50 रुपए। देखा साहब, कितनी जल्दी हमने 50 रुपए कमा लिए, नेटवर्क टनाटन है। देखिए भिखारी सेठ जी। ए, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। अरे हमारे ब्रोकर का फोन आ रहा है, एक सेकंड। ब्रोकर? हेलो, हाँ, क्या शेयर गिर गए क्या? 50 रुपए का भाव? अच्छा ठीक है, एक काम करो, एक शेयर जो है 50 रुपए वाला खरीद लो। हाँ हाँ ओके, नेटवर्क टनाटन है। हाँ हाँ ठीक है, रखो रखो। देखा साहब, अरे मैं अपनी एक एक कमाई जो है ना शेयर मार्केट में लगाता हूँ। अच्छा बताइए, और कुछ पूछना है आपको हमसे? ना ना, क्या क्या पूछना है, सब देख लिया। आपको कोई मैनेजर या एजेंट है जिससे हम बात कर सकते हैं? आपको बिजी नहीं ना करना चाहेंगे हम। अरे नहीं नहीं, मैं सब कुछ मैं ही हूँ, नेटवर्क टनाटन है। हाँ, और देख लिया सब, आप 50 रुपए कमाते और वही 50 रुपए का शेयर खरीद लेते हो, तो केस आईने की तरह साफ है। लग जाइए काम पे, लग जाइए, हम चलते हैं। दादाजी बिरयानी खाएंगे? मेरे रिच मैन है। और दादाजी खाते जाइए। कोई नहीं यार, कोई नहीं, होता है होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी ज्वाइन कर लो। अरे सर, मतलब इतना इनकम। चलो मिस चौटाला को इन्फॉर्म तो करते कि मिल गया। अरे यार, यो फोन का इजाद किसने करा है? Who invented फोन यार? हेलो हेलो, मिस चौटाला। हाँ सर, हैं क्या बात कर रहे हैं? वो भिखारी है। अरे सर, चलिए एक काम करिए, आप लोग वापस आ जाइए, क्योंकि अगर भिखारी शेयर खरीद रहा है तो फिर मामला काफी टेढ़ा है सर। या तो शेयर कोई और खरीद रहा है, और या तो वो भिखारी भिखारी ना है। अरे भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अरे भगवान के नाम पे भीख दे दे बाबा। 5-star होटल में चाय पीऊंगा, नेटवर्क टनाटन है। अरे साहब आपको पता है, अरे पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, अरे बड़ी पूछताछ कर रही है। अरे साहब हमसे कह रही थी, क्यों बे भिखारी है, तू कैसे जो है झिंगूर एंड झिंगूर कंपनी के शेयर कैसे खरीद रहे हो? नेटवर्क टनाटन है। लेकिन साहब, अरे आप बिल्कुल चिंता मत करो, हमने उनको पक्का यकीन दिला दिया है, और हमने उनसे कह दिया है कि देखिए साहब, मैं बहुत कमाता हूँ और सब शेयर में लगाता हूँ, नेटवर्क टनाटन है। तुमने बिल्कुल ठीक किया घनश्याम, पुलिस सोच भी नहीं सकती हम लोग क्या खेल खेल रहे हैं, और हम ये खेल खेलते रहेंगे, तुम मैं और हमारा तीसरा पार्टनर इन क्राइम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.